हाथों में हथकड़ी बांधे पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों आरोपियों ने नए मोटर व्हीकल एक्ट से लोगों को बचाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया कि ये सीधे जेल पहुंच गए। नए कानून के लागू होने के बाद वाहनों का चालान होने पर भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। हमारे देश में हर समस्या के समाधान के लिए जुगाड़ का नाम एक शब्द प्रचलित है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन दोनों आरोपियों ने लोगों के चालान से बचाने के लिए फर्जी लाइसेंस बनवाने का धंधा शुरू कर दिया। झारखंड के गढ़वा के रहने वाले दोनों आरोपी अपनी कंप्यूटर दुकान में लोगों के फर्जी लाइसेंस बनाते थे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने इस गोरख धंधे को बढ़ाकर ये लोग फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी बनाने में लगे हैं। महंगे चालान के डर से इनका धंधा खूब फल फूल रहा था, लेकिन एक दिन पुलिस को इनके इस कारनामे की भनक लग गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से कई आधार कार्ड, कई फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए। 9:30 बजे के आसपास से गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि रमना के दो दुकान में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एवं वोटर आई डी बनाया जाता है। इसके आलोक में रमना थाना को सूचित करके वहाँ पर छापामारी किया गया। वहाँ पर से दोनों दुकान से, अलग अलग दुकान से 3 जो है वो लैपटॉप बरामद हुआ, जिस पर कि गलत ढंग से जो है फर्जी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर आई डी बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त जो है वो भारी मात्रा में आधार कार्ड भी बरामद हुआ है, साथ में कुछ मोहर भी बरामद हुआ है जो कि फर्जी दूसरे आदमी का मोहर जो है इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा जो है वो जिसके लाइसेंस को चेक किया गया, जो लाइसेंस इनके द्वारा जो बनाया गया है और बनाया जा रहा है, तो उसमें जो फर्जी नंबर, लाइसेंस नंबर जो दिया गया है, उसको लोगों ने चेक किया एम परिवहन पर, तो वो फर्जी पाया गया। सच कहा गया है कि अपने देश में कानून बनने के साथ ही उससे बचने के लिए 100 तरीके ढूंढ लिए जाते हैं। अब आप इस घटना को देख लीजिए, जैसे ही सरकार ने नए ट्रैफिक नियम लागू करके वाहनों की जांच करने की प्रक्रिया तेज की, वैसे ही हर बार गलत करने वाले लोगों ने इससे बचने के लिए गलत उपाय ढूंढ लिए। साथ में सही कागजात नहीं रखने वाले लोगों ने फर्जी लाइसेंस के साथ साथ अन्य कागजात भी तैयार करवा लिए। कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, ये कहावत यहाँ पर भी सही साबित हुई। नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद पुलिस बहुत तेजी से वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने फर्जी लाइसेंस के साथ एक आरोपी को पकड़ा। ऐसे फर्जी कागजात हाथ में आते ही पुलिस और परिवहन विभाग सख्ते में आ गया। पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे दोनों आरोपी टूट गए और उन्होंने पुलिस को इन लोगों के नाम बता दिए जिसने उनका फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से लैपटॉप सहित और कई वाहनों के फर्जी कागजात, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बरामद कर लिए हैं। उस मामले में आरोपियों के जेल पहुंचने के बाद हमारी तो आपको यही सलाह है कि भूलकर भी इस तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट, बिहार तक।